नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्लास 9th का सिलेबस में से है, सीबीएसई बोर्ड, जिसका जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होंगे और कक्षा 9th में होंगे उनके लिए ये आज का सिलेबस है। और बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए तो मैं आप लोगों को सारे ट्रिक बताने वाली हूँ कि एक पैराग्राफ लिखने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम मतलब होता है बच्चों रुकना या विश्राम करना। तो विश्राम अभी शब्दों के लिए और वाक्यों के लिए विश्राम का अर्थ क्या होगा और रुकने का अर्थ क्या होगा? बच्चों आप लोग देखिए, जब अगर कोई पैराग्राफ लिखा रहता है, ठीक है, पैराग्राफ कोई अगर लिखा हुआ रहता है और अगर आप उसकी जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, उसके अनुसार अगर आप नहीं रीड करते हैं तो उसका सेंटेंस कुछ अलग ही हो जाता है। वो वाक्य का जो अर्थ होता है वो कुछ अलग ही दे देता है। तो इसलिए विराम चिन्हों की आवश्यकता बहुत ही होती है। तो विराम का अर्थ होता है विश्राम और रुकना। लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में लगाए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों आज का ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे हम लोग कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इन चिन्हों का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं। तो विराम चिन्ह के प्रकार मतलब वो जो भी चिन्ह होते हैं उसके आधार पर ही उसके सारे प्रकारों की बात की जाती है। तो सबसे पहला आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप, अभी देखिए, अभी ये फुल स्टॉप लगाते क्यों है? जहां पर एक वाक्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उसका पूर्ण अर्थ दे देता है, वहां पर हम फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं। अभी इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोहन खेल रहा है, ये संपूर्ण अर्थ दे रहा है बच्चों, उसके बाद हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। इंग्लिश में हम फुल स्टॉप बोलते हैं और इंग्लिश में हम फुल स्टॉप को कैसे लगाते हैं? डॉट के माध्यम से लगाते हैं और हिंदी में हम पूर्ण विराम ऐसे लाइन खींच कर देते हैं। तो ये दोनों का केवल इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। दोनों फुल स्टॉप और ये दोनों भी एक अर्थ ही होता है। नेक्स्ट है अर्ध विराम। इंग्लिश में उसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। अभी इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं बच्चों? इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है सेमी कॉलन और अर्ध विराम। जहां पर क्या होता है, एक वाक्य समाप्त होता है और उसी के आधार पर दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है। ये ध्यान में रखिए बच्चों, क्योंकि ऐसा होगा कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं अर्थ दे रहा है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। तो ये दोनों भी वाक्य क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर एक वाक्य समाप्त होके दूसरा वाक्य प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसे दोनों वाक्यों में कनेक्शन है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उपविराम। उपविराम को हम क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। जैसे हम अनुच्छेद वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक लिख के उसके बाद दो डॉट लगाते हैं, ठीक है, दो डॉट लगा के और उसके बाद हम लिखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस तरीके से हम अगर कुछ डॉट वगैरह लगाते हैं तो वहां पर हो जाता है आपका उप विराम। अल्प विराम को हम क्या कहते हैं? कॉमा भी कहते हैं। तो अल्प विराम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे एक से अधिक नाम लिख रहे हैं, सिटी का नाम हो या फिर दोस्तों के नाम हो, तो एक से अधिक नाम लिख रहे हैं तो नाम को बीच में भी हमें रुकना पड़ता है। कोई नाम राम, सीता, मोहन, सोहन, जो भी हम नाम ले रहे हैं तो उसके बीच में हमें रुकना पड़ता है। तो वहां पर जब एक साथ कोई एक से अधिक शब्द जोड़ने होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी बच्चों हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि क्या है अल्प विराम, कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए। तो बच्चों देखिए, राम और सीता, राम सीता के बीच में हमने क्या यूज किया है? यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कॉमा नहीं लिखेंगे तो ये वाक्य सही अर्थ नहीं देगा। राम सीता एक ही साथ साउंड करेंगे, वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न।
प्रश्न चिन्ह जो होता है, प्रश्न चिन्ह क्या होता है, ये भी एक तरह का विराम चिन्ह ही है, हम वाक्य के लिए इसे अब प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक सबसे सिंपल है, क्वेश्चन मार्क, जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द होते हैं, जहां पर क्या, कौन, कैसे, कब, और जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं WH से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं, WH वाले वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, या तो हु और हाउ इस तरीके से, और वो हिंदी में एक ही होता है क्या, क से स्टार्ट होता है, क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, तो ये शब्द जहां भी लग जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रश्न वाले शब्द हो जाते हैं। तो उसके वो वाक्य समाप्त होने के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विस्मय बोधक। विस्मय बोधक मतलब आश्चर्यचकित। अब आश्चर्यचकित किसी भी कारण से हो सकता है, आश्चर्य आप कोई भी घटना से भी हो सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वाह वाह करके, चाहे आश्चर्यचकित, चाहे कोई दृश्य देखते हैं, या तो कुछ अच्छा कुछ भी चीज देख लेते हैं, बुरा भी देखते हैं, तो भी आप अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो वहां पर ये चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इसको भी हम, अरे सोहन तुम यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये अचानक का भाव प्रकट हो रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या, अरे सोहन, कभी उस जो चीज आप आश्चर्यचकित से, अरे अरे, अगर कभी आपने खाली केवल अरे शब्द का भी इस्तेमाल किया, तो भी वहां उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्लामेटरी मार्क्स यानी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह, जिसको हम कहते हैं डैश। जब बच्चों कोई भी आप अगर डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, ये तो आप क्या करते हैं, वहां पर डैश का इस्तेमाल करते हैं। जिसे बताओ बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन कौन थे। निर्देशक चिन्ह का मतलब क्या होता है, निर्देशक चिन्ह, जैसे बच्चों देखो कहानी अगर लिखते हैं, नाटक का अगर कोई अगर होता है, और नाटक एकांकी, तो इस तरीके जब दो पात्र होते हैं, तो दोनों पात्रों के बीच में हम क्या करते हैं, एक डैश चिन्ह देते हैं, इंग्लिश में उसे हम डैश कहते हैं और हिंदी में हम उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे दादाजी, ठीक है, या फिर गांधी जी ने कुछ कहा हो, तो फिर बीच में हम क्या करते हैं, डैश लगाते हैं, और फिर उसके बाद जो वो वाक्य कहते हैं वो एज इट इज हम लिख देते हैं। तो वैसे ही कहानी के लिए हम, या एकांकी हो या तो नाटक हो, तो नाटक के जब पात्र कोई एक दूसरे से डायलेक्ट की जब बात करते हैं, लिखते हैं वहां पर, तो हम क्या करते हैं, वहां पर डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दादाजी, फिर डैश, फिर बताओ बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह। अभी कोष्टक चिन्ह मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अभी ये ब्रैकेट का इस्तेमाल आप लोग मैथ्स में भी करते हैं, ठीक है, और कहीं पर भी अगर कुछ, जैसे कोई कठिन शब्द वगैरह लिखते हैं, तो भी अगर किसी वाक्य का, किसी शब्द का कुछ दूसरा अर्थ लिखना है, तो आप उससे वहां पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर लिखते हैं। दो नेक्स्ट, आप जब नंबर लिखते हो, कोई नंबर नंबरिंग करना होता है, तो भी आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए देखो बताया कि वचन के दो भेद होते हैं, क, तो क के अंदर ब्रैकेट यूज किया हमने, और ख, ख के पास हमने ब्रैकेट यूज किया, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ब्रैकेट, ज्यादातर हम छोटे वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, और जैसे अभी ये सारे जो बड़े वाले ब्रैकेट है, सबसे बड़े वाले जो ब्रैकेट है, देखिए मैंने हर एक जगह यहाँ पर ये चिन्हों को दर्शित करने के लिए प्रयोग किया है, और मैथ्स के लिए आप तीनों भी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है उद्धरण या अवतरण। तो बच्चों यहाँ पर समझने के लिए बात है, यहाँ पर ये समझना आवश्यक है, उद्धरण और अवतरण, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उद्धरण और अवतरण, मतलब किसी की कही हुई बात को एज इट इज रखना, बिना परिवर्तन के उसके कहे हुए वाक्य को एज इट इज कहना, उसे क्या होता है आपका उद्धरण, उद्धरण इन्वर्टेड कॉमा के चिन्ह कहे जाते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के होते हैं उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आते हैं। तो ये दोनों भी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे लगाते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों को कुछ भी पता है इसके बारे में, तो कमेंट में जरूर लिख कर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख कर बताइए कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का कैसे यूज कर, ये तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा पहले ही बताया कि जो वाक्य किसी की कही हुई है और उसके कोट को आप वैसे के वैसे ही लिख रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के, वाक्य में बिना किसी बदलाव के अगर लिख रहे हैं,
तो वहां पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ प्रयोग होता है? जैसे किसी की टेक्स्ट बुक का नाम लिखना है आपको, कोई टेक्स्ट बुक का नाम लिखना है, तो वहां पर क्या करोगे आप, उस ना उस पुस्तक के डबल इन्वर्टेड कॉमा में करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डाल देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दोनों भी का ही एक एग्जाम्पल दिया है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जैसे भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये उनकी कथन है, उनके कहे हुए वाक्य को हमने एज इट इज लिखा है, इसलिए इसे क्या किया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रयोग किया। दूसरे वाक्य में क्या है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। अभी रामचरितमानस क्या है, एक पुस्तक है, ठीक है, तो इसलिए उसको भी एक हाईलाइट करना बहुत जरूरत है, इसलिए इसे हम क्या किए हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। अभी बच्चों यार, योजक चिन्ह का प्रयोग तो बहुत ज्यादा करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, जहां पे विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और राइमिंग्स वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, या धीरे धीरे का प्रयोग करेंगे, घर घर का प्रयोग करेंगे, मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विलोम शब्द, पुनरावृत्ति और राइमिंग वर्ड के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कविता वगैरह में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सुख दुख दिन रात धीरे धीरे पल पल, इस तरीके से आप कई सारे वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, योजक चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाघव चिन्ह। लाघव हिंदी में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बाप रे मैम ये लाघव मतलब क्या होता है, लाघव मतलब आपका होता है जो शॉर्ट करने के लिए हम आप चिन्ह यूज करते हैं। जाहिर सी बात है आप ये यूज तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता होगा क्योंकि इसका नाम ही इतना खतरनाक है, लाघव। लाघव क्या होता है भाई, तो लाघव में यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी आपको याद होगा, जैसे हमने लिखा 1 डिग्री, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, हमने डॉट लगा दिया, मतलब इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी भी नाम को, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो वहां पर जो ये लाघव चिन्ह ऐसे सर्कल होता है, छोटा सा सर्कल होता है, और नहीं तो हम एक डॉट के रूप में लिख देते हैं, डॉट में लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सही रूप है वो क्या है, वो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, ठीक है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों, लाघव चिन्ह का किसी भी नाम को छोटा करने के लिए, किसी भी पदवी को छोटा करने के लिए, जैसे अगर पंडित लिखना है तो पंडित को भी हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, प लिखकर वहां पर डॉट लगा देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के, जिसे डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर लिखकर यहाँ साइड में एक डॉट लगा दिया, तो हम पूरा डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश में भी आप लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में आप लिखते हैं तो डॉक्टर ऐसे डॉट लगा देते हैं, इस प्रकार से आप लिखते हैं, तो हिंदी में भी इसी तरीके से आपने लिखना है। और डॉक्टर के ऊपर ये हाफ चंद्र बिंदु है बच्चों, आप लोगों ने अगर मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आप बता सकते हो ये हाफ चंद्र बिंदु क्यों लगा है, क्योंकि चंद्रबिंदु का वास्तविक रूप क्या होता है, ऐसे डॉट लगता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर के ऊपर हाफ वर्ड है, बता सकते हो क्यों, कमेंट में जल्दी से लिखकर बताइए। ठीक है, मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये डॉक्टर जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द है, और अंग्रेजी भाषा वाले जो भी शब्द हिंदी में एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसके ऊपर हाफ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं आगत ध्वनिया। ठीक है बच्चों, ये केवल रिमाइंडर दिला दिया, यहाँ पर विराम चिन्ह में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद हो जाएगा आप लोगों को बार बार बताने से। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। ठीक है, अगर हम किसी चीज की व्याख्या करने के लिए लिखते हैं कि, या फिर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं निम्नलिखित, इसके नीचे जाइए देखिए, ये सारे इसके सारे पॉइंट निम्नलिखित है, अग्रलिखित है, विवरण चिन्ह देते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस प्रकार से जैसे ये क्या, तो पहले कॉलन डालेंगे उसके बाद एक लाइन होता है। निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह में केवल इतना ही अंतर होता है, देखिए निर्देशक चिन्ह केवल एक आपका लाइन रहेगा, और विवरण चिन्ह में क्या रहेगा, दो डॉट रहेगा, और उसके बाद से एक लाइन रहेगी, और आपका निर्देशक चिन्ह में केवल एक लाइन रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह। बच्चों बोलेंगे कि ये त्रुटिपूर्ण चिन्ह क्या होता है, त्रुटिपूर्ण, देखो बच्चों हम कभी कभी वाक्य लिखते हैं तो क्या होता है, वाक्य लिखते हैं तो गलती से वो कोई शब्द छूट जाता है,
तो क्या हम पूरा वाक्य को कट करते हैं क्या? जी नहीं, हम क्या करते हैं, एक चिन्ह है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह जिसे कहते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसे हम प्रयोग में ला देते हैं। चलिए देखिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ। इसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण चिन्ह। बच्चों सब लोग लगाते हैं, ठीक है, पदेन भी बोलते हैं इसे हम। तो इसे हम कहा जहां पर भी लगाते हैं, जैसे ये मैंने बताया। बताओ बच्चों, हमारे देश के प्रथम, अभी मैंने छोड़ दिया था प्रधानमंत्री, तो क्या किया यहाँ पर, ये त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर आप प्रधानमंत्री ऊपर लिख सकते हैं। ये नियम है, नीचे नहीं, नीचे गलत हो जाता है बच्चों। ये सही तरीका कहाँ है, ये पदेन चिन्ह को इस प्रकार से, ये जो आपका त्रुटिपूर्ण चिन्ह है, इसे इस तरीके से ही लगाना है, और लगा के इसे ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ नहीं, ये हमेशा याद रखिए। और जो भी, क्योंकि अभी ये पूरा वाक्य आप फिर से तो लिखने वाले नहीं है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण चिन्ह। पद लोप क्या होता है? अभी पद लोप देखो बच्चों, जब आप छोटे हो, अभी तो आप जो 9th 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं आता है, छोटे बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करो इस तरीके के आते थे। तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे काम करते रहना ही, अभी मैंने यहाँ पे जीवन है रेड इसलिए किया है कि मान लो जीवन है नहीं लिखा, तो काम करते रहना ही, डैश 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 डाल दिया, तो ये क्या लिखोगे यहाँ पर, जीवन है। तो इस प्रकार से आपने सारा कंप्लीट करना है। अगर आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, बाद में अपने नोटबुक में लिखकर रख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर थोड़ा भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताया कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट का सभी का आंसर करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बच्चों आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और आपका कोई डाउट वाला टॉपिक है जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है, तो कमेंट में लिख कर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर कवर करूंगी। थैंक यू बच्चों।